हेलो दोस्तों, आप सबके लिए लेके आए हैं न्यू बोर्ड कनेक्शन, 5 पिन सॉकेट 4 सॉकेट और 4 स्विच, एक डिजिटल इंडिकेटर। देखिए दोस्तों, बोर्ड को अनबॉक्सिंग कर लिया है। ये बोर्ड को काट लेते हैं। 8 कटर बोर्ड है। देखिए दोस्तों, बोर्ड को पहले काट लेते हैं, उसके बाद दिखाएगा कैसे कनेक्शन होता है। और जो मेरे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है दबा दीजिए। और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। फाइव पिन सॉकेट को लगा लिया है। स्विच को लगा लेते हैं। देखिए दोस्तों, स्विच को भी लगा लिया। स्विच लगा लिया है। स्विच लग गया। और दोस्तों, जितना भी न्यू वीडियो चाहिए आपको, कमेंट करके बताइए कौन सा बोर्ड फिट करना है, क्या है इलेक्ट्रिक का, क्या प्रॉब्लम है, जो भी है आप कमेंट करके बताइए, आपको मिल जाएगा ऐसा वीडियो। मेरे चैनल पे नया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है बोर्ड वायरिंग का, जो भी वीडियो आप लोग देख सकते हैं। कनेक्शन हो गया। तीन प्लग लगा दिया है दोस्तों। देखिए, तीन प्लग और 2 स्विच लग गया है। तीसरा स्विच भी लगाना बाकी है। तीसरा स्विच लग गया। अब देखिए दोस्तों, उसके बाद दिखाएगा कनेक्शन कैसे होता है। देखिए दोस्तों, चौथा प्लग लग गया है। और 4 नंबर स्विच लगना बाकी है। देखिए, 4 नंबर स्विच भी लग गया है। देखिए पूरा बोर्ड कंप्लीट। अब कनेक्शन कैसे होता है दिखाइए। देखिए दोस्तों, पहले रेड वायर ले लिया है। एक देखिए, एक रेड वायर स्विच का एक हिस्सा से दूसरा स्विच में शॉर्टिंग कर दिया है। पहले चारों स्विच में शॉर्टिंग कर देते हैं। नीचे वाला जो हिस्सा है वो पावर सप्लाई के लिए, स्विच का जो नीचे वाला हिस्सा है, देखिए पावर सप्लाई के लिए। देखिए दोस्तों, हम एंकर का स्विच लिया है और एंकर का प्लग लिया है। देखिए, रेड वायर से पावर सप्लाई का जो लाइन का जो कनेक्शन है वही कर रहा है। देखिए दोस्तों, पहले स्विच में शॉर्टिंग कर दिया, अब न्यूट्रल का काम बाकी है। देखिए, इसमें लिखा हुआ है, प्लग में लिखा हुआ है, देखिए दोस्तों, एल और एन। एल में स्विच का कनेक्शन डालना है और एन तो हो गया न्यूट्रल। देखिए दोस्तों, एल में हम डाल रहा है पावर सप्लाई का जो कनेक्शन है वही डाल रहा है। देखिए, स्विच का ऊपरी वाला हिस्सा से अब प्लग का जो लाइन का जो दिखाया आप लोग, उसी में डाल रहा है। एक प्लग का लाइन दे दिया, अब दूसरी प्लग का लाइन देना बाकी है। दूसरा स्विच भी लगा लिए है, अब दूसरा प्लग में लगाना बाकी है। दूसरा प्लग में भी लगा दिए है। तीसरा स्विच में भी लगा रहा है। तीसरा स्विच में भी लगा दिया, अब तीसरा प्लग में लगा रहा है। कटिंग कर लेते हैं तार को, थोड़ा सा छोड़ लिया है। देखिए, तीसरा प्लग में लगा दिया,
अभी चौथा स्विच में कनेक्शन कर रहा है, चौथा प्लग में लगा दिया। देखिए कनेक्शन लगभग कंप्लीट, अब न्यूट्रल का कनेक्शन बाकी है। और जो मेरे चैनल पे नया है सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में बेल आइकन भी दबा दीजिए। देखिए न्यूट्रल का जो पॉइंट हम दिखाया था उसमें से एक दूसरे में न्यूट्रल शॉर्टिंग कर दे रहा है। हाँ, पास में जो बेल आइकन है वो दबा दीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक करके बताइए। और ऐसे न्यू लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को चाहिए तो कमेंट करके बताइए। सेटिंग कर दिया है एक दूसरे से, तीसरा वाला में भी सेटिंग कंप्लीट, अभी चौथा वाला में भी बाकी है। देखिए दोस्तों चौथा वाला में भी कंप्लीट हो गया। जो इंडिकेटर का जो यार है इसमें न्यूट्रल में हम डाल दिए हैं, इंडिकेटर का एक वायर न्यूट्रल में हम एक डाल दिए हैं। अभी अर्थिंग का कनेक्शन बाकी है, ऊपरी वाला जो हिस्सा है वो अर्थिंग का हो गया, वो तो सब लोग को पता है अब सबको। देखिए अर्थिंग भी सेटिंग कर दे रहा है एक दूसरे से, अर्थिंग सेटिंग हो गया पहला वाला प्लग में, दूसरे वाला प्लग में हो गया, तीसरे वाले प्लग में हो गया, चौथा वाला में बाकी है। चौथा वाला में भी दे दिया है, देखिए हाँ बढ़िया सा करके। लगा लिया है, अब बोर्ड को फूटा कर लेते हैं। बोर्ड को फूटा कर लिया है, अब इसमें एक लाल एक काला मतलब फेज और न्यूट्रल का वायर डाल दिए हैं। कनेक्शन करके दिखाते हैं आप लोग को। पहले जो स्विच में जो हम शॉर्टिंग किए थे स्विच का कोई भी इधर चाहे उधर इधर डाल दिए। देखिए न्यूट्रल और सॉरी एक इंडिकेटर का जो और एक हिस्सा बाकी था यार वो लेके स्विच में डाल दे रहा है, स्विच में लगा दिया। और न्यूट्रल का जो तार है जो शॉर्टिंग किया था उसी में हम लगा रहे हैं न्यूट्रल का वायर। ब्लैक जो वायर है वो न्यूट्रल का हो गया, और रेड वाला वायर फेज का हो गया, और ग्रीन वाला जो वायर है वो आपका हो गया अर्थिंग का, बॉडी अर्थ का हो गया। देखिए कनेक्शन बढ़िया करके देख लीजिए, बॉक्स को लगा दिए है, बोर्ड को स्क्रू भी लगा दे रहा है, स्क्रू लग गया। स्क्रू लगा दिया है, देखिए बॉक्स फिटिंग हो गया। अब लोगों को अभी लाइट जला के दिखाएगा, सामने वाला जो बोर्ड है उसमें हम देखिए प्लग लगा दिए, स्विच दे दिए, इंडिकेटर में लाइट जल रहा है। ये हो गया आपका, देखिए टेस्टर में लाइट जल रहा है, ये हो गया फेज और इस साइड में जो और न्यूट्रल लाइट जला के दिखा रहा है। फेज में रेड वायर डाले है, स्विच मत दिया, देखिए लाइट जल रहा है, दूसरा स्विच दे दिया लाइट जल रहा है, तीसरा लाइट जल रहा है, चौथा लाइट जल रहा है। जय हिंद दोस्तों।